The topic is sources of support for ECCE. Students, you will elaborate the importance of early childhood care and education through sources of support. Many early childhood programs are positively owned for profit business. प्रॉफिट के लिए होते हैं और आप देखते हैं कि इसमें जो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं वो खोलती ही इन सेंटर्स को इन प्रोग्राम्स को है कि इससे वो मुनाफा कमा सकें और इनको देखते हुए वो सम टाइम्स यह कि पब्लिक फंडिंग भी हो जाती है और स्पॉन्सर्ड बाय एन एजेंसी भी होते हैं आपको बहुत सारी हम आगे चल के बताएंगे कि कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो इसको फंड करती हैं ताकि बच्चों के लिए बेहतरीन तरीके से प्रोग्राम्स को चलाया जा सके ways of grouping early childhood program is on the basis of support especially uh, financial for profit programs 60% of uh, all children programs are operated for profit तकरीबन हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स uh, चल रहे हैं जहां से प्रॉफिट हो रहा है आइदर एज अ सिंगल इंडिपेंडेंटली ओन्ड बिजनेस और एज अ पार्ट ऑफ रीजनल एंड नेशनल uh, चेंज और बहुत सारी ऐसी चेंज भी हमें नज़र आती हैं एक तसलसल तो के साथ जो कि uh, कौमी सतह पर uh, ऐसे प्रोग्राम्स को शुरू कर देती हैं फॉर मैनी ईयर्स लोकल ओनर्स ऑपरेटेड वन और टू सेंटर्स प्रोवाइडेड द मेजोरिटी ऑफ चाइल्ड केयर इन कम्यूनिटीज और इसी तरीके से हम देखते हैं कि ये जो uh, बच्चों को uh, सहूलियात पर uh, फ्राहम करने वाली कंपनीज थी इन्होंने इसको प्रोग्राम्स uh, को फैलाया और उसमें बहुत सारे बच्चे जो चल रहे थे प्रोग्राम में और चाइल्ड केयर के लिए शुरू किए गए थे बीसवीं सदी के एंड तक इसमें काफ़ी हम देखते हैं कि चेंज आया और उनकी स्लो ग्रोथ होती चली गई नॉन फॉर प्रॉफिट प्रोग्राम्स जिसमें हम देखते हैं कि उन्हें कोई कमाना नहीं है उसमें उसका मकसद मुनाफा नहीं है वो वेलफेयर के लिए किया जा रहा है बच्चों के लिए और इसमें आप देखते हैं कि वॉट इज लेफ्ट ओवर आफ्टर एक्सपेंसिस जो चीजें नजर आएंगी वो आप जितना जनरेट करते हैं वो दोबारा से उन्हीं प्रोग्राम्स के ऊपर खर्च कर दिया जाता है ताकि जो स्टेक होल्डर्स हैं जो बच्चे हैं और जो प्रोग्राम रन कर रहे हैं वो अपने लिए बेहतरीन तरीके से इस प्रोग्राम को चला सके इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और द प्रोग्राम सच मनीज आर इन कॉपोरेटेड बैक इन द प्रोग्राम एंड आर रिटर्न टू स्पॉन्सरिंग एजेंसीज पहले मैं बता चुकी हूं कि स्पॉन्सर एजेंसीज हैं फंडिंग एजेंसीज हैं जो कि इन प्रोग्राम्स को चलाती हैं जब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपको नजर आती हैं वो काम करती हैं वही पैसा जो जनरेट हो रहा है उसको उन्ही प्रोग्राम्स की बेहतरी के लिए खर्च कर देती हैं और ऐसे सेंटर्स गेन द स्टेटस थ्रू स्पॉन्सरशिप फ्रॉम एन एंटिटी कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको स्पॉन्सरशिप uh, दे देती है उनके ताम से ये प्रोग्राम्स चल रहे हैं और uh, आप अक्सर देखते हैं कि मनी रिलीजियसली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स केम इन टू एक्सस्टेंस इन नाइनटीन सेवेंटीज एंड एटीज हम देखते हैं कि मस्जिद में हमारी में बहुत ऐसे प्रोग्राम शुरू किए जिसमें बच्चे को अब्तदाई तालीम से लेकर खुराक भी uh, दी जा रही होती है और वालदेन अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में जैसे हमारे यहाँ पे वहां पर uh, छोड़ देते हैं अ यूनिक फॉर्म ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट अर्ली चाइल्ड हुड प्रोग्राम इज द पेरेंट कोऑपरेटिवनेस जब वालदे uh, जो है बाहमी तामन के जरिए से कुछ सेंटर्स खोलेंगे इनको चलाएंगे तो एक बड़ी uh, अनोखी किस्म की यूनिक एग्जाम्पल हमारे सामने आ, नजर आती है और इसमें आप देखते हैं कि ये जो पेरेंट्स हैं ये एज अ स्टाफ भी वहां पे काम करते हैं और अपना रोटेशन के ऊपर अपनी ड्यूटीज को चेंज करते रहते हैं ताकि बच्चों को बेहतरीन देखभाल के मौके मैसर आ सके एंड फॉर एनरोलिंग चिल्ड्रन इन द प्रोग्राम पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड टू असिस्ट स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेज वो कुछ अपने दिनों का हिसाब रख लेते हैं कि इतने दिन एक बच्चे के वालदान वहां पर रहेंगे और कुछ दिन दूसरे बच्चे के वहां रहेंगे दिस अरेंजमेंट सर्व्स बोथ स्टाफिंग एंड पेरेंट एजुकेशन फंक्शन विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पेरेंट्स वर्किंग फुल टाइम फ्यूर पेरेंट्स हैव टाइम टू पार्टिसिपेट इन कॉपरेटिव प्रोग्राम्स जो इनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा हुई या ज्यादा मशहूर हुए तो आपने देख रहे हैं कि आजकल जो दोनों पेरेंट्स हैं माँ और बाप दोनों ही काम करने लग गए हैं और उसमें ये हुआ कि फिर इन प्रोग्राम्स में वालदे की शिरकत थोड़ी कम होती चली गई सुनाच तो इन प्रोग्राम्स को उन्होंने ग्रेजुअली हम देख रहे थे कि इंटरेस्ट कम हुआ और फिर ये प्रोग्राम्स थोड़े अपनी इफेक्टिवनेस खोने लगे थैंक यू